जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम आप लोग को फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे, भाग 3। भाग 3 था मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। तो मूल अधिकार के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार हुआ करते थे, अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था जिसको खत्म कर दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार अब खत्म हो गया है, अनुच्छेद 31 में था। अब है संवैधानिक उपचार 32 से 35, ये खत्म हो गया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को लेकर 7 अधिकार थे, 7 प्रकार थे मूल अधिकार के, 7 प्रकार थे, लेकिन अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार हैं। पहला देख लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 32 से 35, 31 जो था वो खत्म हो गया है, इसके बारे में ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए अनुच्छेद 12 हम आप लोग को पढ़ाए थे। अनुच्छेद 12 में क्या था देख, यहाँ पर दिया है समानता का अधिकार 14 से 18। 12 में था अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार, उसकी परिभाषा थी। और अनुच्छेद 13 था, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण था ना, ये तो एक परिभाषा हो गई। अल्पीकरण मतलब कि हमारे मूल अधिकार को कुछ कम किया गया है, उसको अल्पीकरण बोलते हैं। और देखिए समानता का अधिकार कौन कौन है? समानता का अधिकार 14, 15, 16, 17, 18, ये समानता का अधिकार है। 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता, 14 कानून के समक्ष समानता। और 15 है कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण का समान संरक्षण। और अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट था, आरक्षण इसी में था, इसमें लिंग भेद, लिंग जाति वंश जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15 था। अनुच्छेद 16 था लोक नियोजन की समानता, मतलब कोई सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसमें समान सबको मौका दिया जाएगा। और अनुच्छेद 17 था अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 था उपाधियों का अंत। तो मैंने पढ़ा दिया था समानता का अधिकार, ये खत्म हो गया है। आज पढ़ाना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। देखिए अनुच्छेद 19 जो कहता है बैक बोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। और इसमें क्या है? इसमें संविधान 19 में 6 प्रकार है, 6 प्रकार से हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में हम लोग को 6 प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहला है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, हम लोग को बोलने की आजादी है। मौन रहने की भी आजादी है, जैसे कोई मर गया उसके सम्मान में हम मौन रहते हैं ना, तो उस मौन की भी आजादी है हमको। मीडिया को तो आजादी है ही है, पुतला फूकने, कोई जिस किसी नेता का हमको काम पसंद नहीं आया उसका पुतला फूक सकते हैं, उसकी भी आजादी है। और आरटीआई देखिए, जब बोलने की आजादी है तब तो पूछने की भी आजादी हो गई, तो इसलिए 2005 में आरटीआई आया, 2005 में आरटीआई आया। यह है पूछने की, सरकार से पूछने की आजादी। और जब हम लोग को बोलने की आजादी हो गई तब हम लोग सभा करने की भी आजादी मिलेगी हम लोग को। तो अब देखिए पहला है इसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी। और इसमें दूसरा है सभा करने की आजादी, जब बोलना सीख गए तो सभा भी कर सकते हैं, सभा करने की आजादी। और तीसरा है संगठन, संगठन बना सकते हैं, और जब संगठन बना सकते हैं तो हम घूम भी सकते हैं, तो भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। अब जब घूमेंगे तो निवास, जब घूमेंगे तो कहीं तो रुकेंगे, कहीं मन कर दिया रुकने के लिए वहां पर रुक जाएंगे। जब वहां पर हमको बहुत अच्छा लग गया
रहने लगे वहां पर, तो वहां पर निवास भी करने लगेंगे, अपनी जमीन भी ले लेंगे वहां पर। तो छठवां क्या है, संपत्ति। जब वहां पर बस गए हम लोग तो संपत्ति बनाने का अधिकार है, तो अब संपत्ति कैसे बनाएंगे, तो सातवां है व्यापार करने के लिए। देखिए इसमें क्या हो गया है, जो संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया, इसमें से निकाल दिया गया है। पहले हम लोग के पास सात था, अनुच्छेद 19 में सात प्रकार थे, लेकिन अब छह प्रकार बचे हैं, इसको खत्म कर दिया गया। जैसे संपत्ति का अधिकार, सड़क का निर्माण हो रहा है, बीच में हमारा घर आ गया, हम कहेंगे कि मैं घर नहीं दूंगा। अब सरकार PWD सड़क बना रहा है, तो उसमें कितने लोग जमीन दे दिए, हम कहे कि हम नहीं देंगे जमीन, तब क्या हो गया, तब तो दिक्कत होगा ना। तो यहाँ पर देखिए, मूल अधिकार में से जो संपत्ति का अधिकार था, इसको निकाल दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को निकाल कर इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार अधिकार, तो हमारी भूमि जो है अधिग्रहण हो सकती है। बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर इस रेलवे की पटरी बिछाना है, रेलवे का पटरी जैसे गांव पड़ गया है, तो अब पटरी बिछा रहा है रेलवे, तो अब बीच में गांव पड़ रहा है किसी घर, तो कुछ लोग दे दिए, कुछ लोग बोले कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरे खानदानी है, पुश्तैनी है, मैं घर नहीं दूंगा। तब वहाँ पर उनको दिक्कत होती थी, वो तो घूम कर फिर घुमा कर आना पड़ता था। तो इसीलिए इसको मोरारजी देसाई ने 1977 में इसको ख़त्म कर दिया, संपत्ति के कानून को ही ख़त्म कर दिया, यह संपत्ति का अधिकार को ख़त्म करके एक कानूनी अधिकार बना दिए, पहले मूल अधिकार था, ठीक ना। तो देखिए अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार हैं, छह प्रकार हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये सब करने से यह प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने से किसी की मोरल को ठेस न पहुँचे, किसी के मोरल को, भावना को तकलीफ ना हो, बोलेंगे किसी के भावना को तकलीफ ना हो। सभा करने से, हमारे सभा करने से पब्लिक डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक डिस्टर्ब ना हो। और संगठन जब बना रहे हैं हम, तो संगठन ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा संगठन हो कि जिससे हमारे एकता अखंडता को कोई नुकसान ना हो। और जब हम घूम रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, जब हमें आज़ादी है घूमने की, तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर पर चाहे आर्मी, जो आर्मी रहते हैं उस लिखा रहता है कि इसमें आना मना है सुरक्षा की दृष्टि से, तो वहाँ पर चले जाएंगे, किसी घर में घुस जाएंगे, ये सब नहीं करेंगे। इससे सुरक्षा की दृष्टि से जब हम घूमेंगे, तो ऐसे जगह घूमेंगे जहाँ अलाउ हो, जिससे खतरा ना हो, सुरक्षा से कोई खतरा ना हो। और जब निवास करेंगे हम लोग, तो निवास तो कहीं कर सकते हैं, और व्यापार अब बोलेंगे भी, तो अब कोर्ट की अवमानना कभी नहीं कर सकते, कोर्ट की अवमानना करेंगे तो यही दिक्कत है। अब घूमने में किसी विदेशी को मार दिए, कोई विदेशी आदमी आया है बेचारा घूमने के लिए, उसको मार दिए, तो गलत है ना। तो ये सब करने में इसी प्रभावित नहीं होना चाहिए, यह प्रभावित ना हो, बाकी सर हर काम आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 जो है छह प्रकार से हम लोग को आज़ादी देता है। अब देखिए अनुच्छेद 20 कहता है दो सिद्धि में संरक्षण, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 जो है कह रहा है दोष सिद्धि में संरक्षण। मतलब कोई अपराधी किसी के ऊपर अपराध, जैसे किसी के ऊपर अपराध कर दी, अपराध का FIR करवा दिए, तो वो अपराधी तब तक अपराधी नहीं कहलाएगा जब तक उसे कोर्ट सजा नहीं देगी। उस पर तो सिर्फ मुकदमा हुआ है, FIR हुआ है ना, तो वही दिया है दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण में तीन प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार से हैं। पहला है अपराध के समय का कानून, अपराध के समय का कानून, मतलब जैसे मान लीजिए कि 2020 में, 2020 चल रहा है ना, 2020 में यह कानून है कि किसी का सर फोड़ने पर, किसी का सर फोड़ने पर, किसी का सर फोड़ने पर एक साल की सजा है, एक साल की सजा है, किसी का सर फोड़ने पर एक साल की सजा है, ठीक। तो अब यह मुकदमा चलेगा, तो दो तीन साल चलेगा, मान लीजिए कि दो साल के बाद
इसी में एक ही साल के बाद इस फैसला आ गया 2021 में, 2021 में फैसला आ गया, या 2022 में मान लीजिए फैसला आया, 2022 में फैसला आ गया, और 2022 में नया कानून बन गया कि सर फोड़ने पर 2 साल की सजा, 2 साल की सजा। लेकिन आप इसको सजा कितना देंगे? 2020 में यह सजा है किसी का सर फोड़ने पर 1 साल की सजा है, 1 साल जेल में रहेगा। तो अब 2022 में मुकदमा चलेगा ना, उस पर FIR होगा, मुकदमा चलेगा, फिर 2022 में फैसला आया और 2022 में कानून बन गया कि सर फोड़ने पर 2 साल की सजा होगी। तो अब इसको सजा कौन सा मिलेगा? अपराध के समय का कानून, अपराध तो इस टाइम किया था 2020 में किया था, 1 साल की सजा थी, तो इसको सजा कब मिलेगी, कितना मिलेगी? वही 1 साल की सजा मिलेगी, 2 साल की सजा नहीं मिलेगी। इसका मतलब यही है अपराध के समय का कानून। और दूसरा टाइप बताता है एक अपराध की एक सजा, मतलब जैसे किसी को मार दिए हम, किसी को फोड़ दिए, तोड़ दिए, गोली मार दिए, तो 1 साल की सजा हो गया, किसी को मार दिए, मर गया, ठीक, तो हमको सजा होगी 7 साल की सजा हो गई। तो हम 7 साल के बाद फिर हम कोर्ट, फिर बाहर जब आएंगे तो कोर्ट हमको फिर दोबारा उस काम के लिए नहीं भेज सकता, उस अपराध के लिए दोबारा नहीं भेज सकता जेल में, क्योंकि जब अपराध हो गया है, उसका सजा हम काट चुके हैं, तो फिर दोबारा हमको जेल में नहीं डालेगा। वही कहता है एक अपराध की एक सजा। और तीसरा कहता है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, खुद के विरुद्ध गवाही आप नहीं दे सकते, मतलब जब पुलिस हमको उठा कर लेके जाएगी, किसी को उठा कर लेके जाएगी, उसको खूब बढ़िया से कुछ देगी और कुछने के बाद बोलेगी कि बोल हम ही मर ले रही हैं, चाहे हम ही चोरी किए थे, बोल, तो अब कहेगा कि हाँ हम ही चोरी की थी, बहुत मार मार देंगे सब। तो उससे अच्छा है कि आप स्वीकार कर लो कि हाँ चोरी हमने किया है। इसका मतलब जब कोर्ट में जब जाएगा वो, जब कोर्ट में जाएगा तो पुलिस के साक्षी को साक्षी नहीं माना जाएगा, पुलिस तो मार कर कूट कर बढ़िया से थूर कर आपसे तो कहेगी कि नहीं चोरी हमने ही किया है, वो लगा देगी। लेकिन खुद के विरुद्ध, वही दिया है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, खुद अपने खुद के विरुद्ध गवाही कोर्ट में नहीं चलेगी। तो ये अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि में संरक्षण, ये अच्छा समझ में आ गया ना दो यार? अरे अनुच्छेद 20 देखो, अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए प्राण मीन्स जान, अपनी जान, और लाइफ, प्राण को लाइफ बोल सकते हैं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें 3 तरह का, लाइफ में भी है, पर्सनल में 3 तरह की स्वतंत्रता है। कैसी? देखिए लाइफ में क्या है, पर्यावरण, जैसे गाड़ी जब चेक होता है तो पर्यावरण के लिए चलान कटता है ना, कि गाड़ी बहुत धुआं फेंक रही है, होता है चलान, इसीलिए क्योंकि जब वायु प्रदूषण होगा तो प्राण के लिए संकट पैदा होगा, वायु प्रदूषण प्राण के लिए संकट होगा। तो इस संकट से हमको संविधान देता है कि हमको बताता है कि हमको इससे बचाव जरूरी है। तो इसमें आ गया पर्यावरण, पर्यावरण सही रहना चाहिए, इसी लाइफ में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में पहला प्राण और इसी में है पर्यावरण, इसीलिए चलान कटता है, इसलिए पराली जलाने से रोक लगी है, समझ में आया? और दूसरा है आत्महत्या, यदि कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई आत्महत्या कर ले तो क्या होगा, जब वो तो मर गया तो काम खत्म है, लेकिन यदि जिंदा रह गया तो यदि आत्महत्या करने की कोशिश की और जिंदा रहेगा तो IPC की धारा 309 के तहत इस पर FIR हो जाएगा। IPC की धारा है यह 309 धारा, IPC की धारा है। तो जब प्राण के, जब प्राण बचाने की जब इसमें है अनुच्छेद 21 में अधिकार है, तो हम अपना जान कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, जब लेने की कोशिश करेंगे तो बच गए तो 309 धारा लग जाएगी, IPC की धारा, यदि मर गए तो काम खत्म हो गया। और तीसरा है हेल्थ, जैसे कोरोना आया इस समय तो सरकार देख रहा है कितना दे रही है सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे बच्चों, जब बच्चों का जन्म होता है उस समय टीका लगता है, खसरा का टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है फ्री में,
टीका लगता है, उतना महंगा टीका रहता है, 1000 रुपया का टीका एक आता है, लेकिन लगता है ना इसी हेल्थ को लेकर होता है। इसके बाद बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको खिचड़ी मिलती है, इसी हेल्थ को लेकर मिलता है हर चीज़। तो ये प्राण में हो गया। अब है पर्सनल लिबर्टी, अब दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक में क्या है? एकांत, कोई व्यक्ति एकांत में रह सकता है, वो उसका अधिकार है। आदमी विदेश की यात्रा भी कर सकता है, उसका भी अधिकार है। और निजता, प्राइवेसी, जैसे अपने मोबाइल का पासवर्ड कोई पूछे कि बता दो, हम नहीं बताए तो सही है, क्योंकि ये हमारी निजता है, तो हम दूसरे की चीज़ को क्यों देखेंगे। प्राइवेसी तो यही है, पासवर्ड लगा दिए, प्राइवेसी है ना, पासवर्ड लगा दिए, तो अब कोई ये पूछ नहीं सकता या कोई फोर्स नहीं कर सकता, नहीं बताओगे तो मैं कूटूंगा, मारूंगा, काम नहीं चाहिए, नहीं, गलत है, ये प्राइवेसी है। अब एक है एडल्ट्री, तो बहुत खतरनाक है। एडल्ट्री का मतलब है, इसको व्यभिचार बोलते हैं हिंदी में, इसको व्यभिचार। देखिए व्यभिचार में क्या है, शादीशुदा लोग हैं, ठीक, शादीशुदा दो लोग, पति और पत्नी, तो पत्नी का अफेयर किसी दूसरे लड़के के साथ हो गया, तब उस समय पहले नियम था कि जब पति पत्नी है, पत्नी किसी और के साथ फंस गई, तब जो फंसाया है, जो लड़का फंसाया है, उसको सजा मिलेगी, और इसको सजा, औरत को सजा नहीं मिलेगी, ये संरक्षण में था। लेकिन अब जो है इसको खत्म कर दिया गया है, अब हो गया है कि भाई कोई किसी की पत्नी किसी और से फंसेगी, पति चाहेगा कि फंस जाए, नहीं चाहेगा, तो इसलिए पहले उसको सजा होती थी, लेकिन अब खत्म हो गया है, अब सजा नहीं हो सकती है। तो अब इस भाई उनका आपस में कॉम्बिनेशन है, तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, एक काम कर सकता है कि आईपीसी की धारा 497 की तहत, आईपीसी की धारा 497 के तहत उस औरत से तलाक ले सकता है। यह है एडल्ट्री, ये ख़त्म हो गया है, ठीक ना। पहले यही था कि अब तलाक ले सकता है, पहले था कि जिससे उसका संबंध बना उस आदमी को सजा मिलती थी, उस औरत को नहीं मिलती थी। बताओ कितनी सीधी थी कि उससे फंस गई, उसको सजा ही नहीं हुआ, उस आदमी को हो गया। तो अब उस कारण को ख़त्म कर दिया गया है, अभी हाल ही में 2017 या 2018 में ख़त्म किया गया है। इसके पहले जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो था यह सजा। तो यह अनुच्छेद 21 हो गया। अनुच्छेद 21 में एक क जोड़ दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसलिए कि अनुच्छेद 20 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो प्राण में अधिकार में इसको क जोड़ दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। मतलब जो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, उसके दिमाग तो विकास करेगा नहीं, वो अशिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, एक प्राण उसमें भी जान डालना पड़ेगा ना, तो उसीलिए 21 क में शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। यह 86वां संशोधन 2002 द्वारा यह अनिवार्य रूप से कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के लड़कों को सरकार पढ़ाएगी, फ्री में पढ़ाएगी, और जाते हैं सब सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब सरकारी स्कूलों का देखते ही हैं आप हाल, जो टीचर होते हैं सरकारी स्कूल के, उनके बहुत ज़्यादा पैसे, वेतन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेटे में बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकता पढ़ाने के लिए, देखिए कितनी बड़ी भीड़ बनाई, जब वही टीचर सबसे ज़्यादा पैसा पाते हैं, और जब सरकार इसी प्राइवेट करने के लिए कहती है तो बहुत सारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, इसीलिए प्राइवेट करने जा रहे हैं। जैसे अभी हम सरकारी बैंक में चले गए फार्म भरने के लिए, वो हमको फार्म भरने का, वो हमको फार्म नहीं देगा। अभी प्राइवेट बैंक में चले जाइए, ICICI बैंक चाहे HDFC बैंक, सिर्फ अपना आधार कार्ड फोटो निकाल के दीजिए, वो हर चीज़ फार्म हर चीज़ बैठ कर भरेगा। और सरकारी SBI में जाइए, वो आपसे बात नहीं करेंगे, सब बोलेंगे भी नहीं। प्राइवेट में जाइए, सर बैठिए, सम्मान देंगे। इसीलिए सरकार जब प्राइवेट की बात करती है तो एक पक्ष प्राइवेट की तरफ झुक जाता है कि नहीं होना चाहिए प्राइवेट, और जो सरकारी फील्ड वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं प्राइवेट नहीं होना चाहिए। यही मामला है।
इसी को शिक्षा का अधिकार को 21 क में जोड़ दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 22 है, इनकाउंटर अरेस्ट कस्टडी रिमांड नज़रबंद, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक हमारा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा वीडियो देखिए और ये भी वीडियो देखिए। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।